तो हे गॉडर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यार आज की इस वीडियो में हम सिक्स्थ वीडियो लेके आ रहे हैं अपने स्पोर्ट्स के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। आज की ये सिक्स्थ वीडियो होगी इस पूरे कोर्स की, जिसमें हम देखेंगे हेडिंग टैग क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, एम टैग क्या होता है, और काफी टैग्स देखेंगे। यार आपने क्या कहते टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, मतलब हम क्या क्या टैग पढ़ने लगे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सबसे पहले करें, नहीं तो आप कई घातक वीडियो मिस कर दोगे। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वीएस कोड अटेम्प्ट के अंदर आ गया हूँ। मैं एक फाइल बनाऊंगा hnp.html नाम, ठीक है, और इसके नीचे से एक्सटेंशन चेंज करूंगा html, और ये मेरा पोर्ट 5500 पे चल रहा है पहले से ही। तो अगर मैं चाहूँ ऐसा कर तो मैं ये अपना पोर्ट बंद कर देता हूँ, दोबारा गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, और ये क्या करेगा मेरी जो भी वो फाइल है उसे ओपन कर देगा वेब ब्राउजर के अंदर। या मैं अब क्या करूँगा, सबसे पहले एमेट लेके आऊँगा, मतलब एमेट क्या मतलब बॉयलर प्लेट लेके आऊँगा एचटीएमएल की जो आगे मुझे, और उसका टाइटल चेंज कर दूंगा हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग, ठीक है, ओके। तो यार अभी तक आपने क्या कहते हैं अंदाजा तो लाई लिया होगा कि हेडिंग टैग क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होते हैं। आपके दिमाग पे भी आ गया होगा यार हेडिंग देने के लिए हेडिंग पैराग्राफ, हो हेडिंग टैग पैराग्राफ देने के लिए पैराग्राफ टैग, ठीक है, सही बात है, आप 100% सही हो, मैं भी गलती कह रहा। अब आगे की एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको दूंगा कि ये कैसे यूज करना है। तो हेडिंग टैग्स मैं आपको एक बार बता दूं कि कब यूज होते हैं, जब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग देनी होती है, और पैराग्राफ टैग तब यूज होते हैं जब हमने पैराग्राफ देने होते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग टैग्स देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं हेडिंग टैग्स कितने टाइप्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर। सिक्स तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, इससे अलावा नहीं होते। एचटीएमएल के अंदर सिक्स तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं। फर्स्ट होता है H1, और ये इन टैग को क्लोज भी करना होता है हेडिंग टैग्स को, ठीक है। अगर आप वीएस कोड एडिटर में काम कर रहे हो तो आप सिंपली H1 लिखोगे तो ये अपने आप ही आपको टैग को क्लोज करके भी देगा। अगर ये टैग क्लोज होता है तो क्लोज करके देगा, अगर टैग क्लोज नहीं होता तो वो क्लोज करके नहीं देगा। मतलब कैसे, एक टैग है जैसे इमेज, ये क्लोज नहीं होता, इसका कोई हमें ऐसे क्लोज टैग नहीं देना होता इमेज का, तो ये देखो इसने भी क्लोज नहीं किया। अगर आप इसको एडिटर के अंदर काम कर रहे थे यार आपको क्लोज करने का, या मतलब अगर आपके पास कोई भी आप कोडिटर यूज कर रहे हो जिसमें आपके पास एमेड है, तो यार आपको कुछ क्या कहते हैं टैग बंद करने का, टैग खोलने का, कैसे ध्यान रखने का, इसका आपको मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि आपने सिर्फ उस क्या कहते टैग का नाम लिखना और वो अपने आप आपको एमिट करके देगा, मतलब जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है। पर अगर आप नोटपैड वगैरह या किसी और कोऑर्डिनेटर में काम कर रहे हो जिसमें नहीं है भाई ये सभी चीजें नहीं है, ये फीचर्स नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको इसे खुद भी बंद करना, ठीक है। अब यार H1 टैग हम देख लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, और सेव करता हूँ। अगर आप अपनी मैं वेबसाइट पे जाऊँ, मतलब सर्वर पे जाऊँ, जो अपना हमारा लोकल होस्ट पे जाऊँ, रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देखना हेडिंग 1 आ गई। सही है, हमने देख लिया हेडिंग 1 कैसे होती है, बोल्ड हेडिंग 1 होती है, मतलब हेडिंग 1 बोल्ड होती है, H1 टैग बोल्ड होता है, बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ स्पेस लूँ, कुछ स्पेस देकर लिखूँ आफ्टर स्पेस, तो क्या ये मुझे स्पेस दिखेगी मेरे मतलब ब्राउजर में, क्या ये इतने स्पेस के बाद मुझे ये दिखेगा, देख लेते हैं। नहीं देखो, क्यों, तो यार HTML के अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होती है HTML अपने आप रिमूव कर देता है। अगर आपने इसे स्पेस देनी है तो यार मैं कहूँगा वो हम CSS की मदद से देते हैं। तो जैसे आगे आके मैं CSS लेके आऊँगा, CSS आपको सिखाऊंगा, तब हम देख लेंगे, ठीक है। अब H1 टैग तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं H2 टैग। तो यहाँ मैं लिखूंगा H2 टैग, H2 में लिखूंगा हेडिंग 2, फिर एक होता है हमारे पास हेडिंग 3 टैग। अगर आप ओल्ट क्लिक करके और किसी और जगह पे क्लिक करो तो आपके पास दो कर्सर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, दो कर्सर आ जाते हैं। अगर ओल्ट पाके फिर से कहीं और क्लिक करो तो आपके पास जितनी बार क्लिक करोगे उतने आपके पास कर्सर आ जाएंगे। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ हेडिंग 3 टैग, फिर से मैं मतलब कंट्रोल डी दबाओगे तो यार वैसे मैंने किया हुआ सेटिंग में, अगर मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो मेरी जो ये लाइन है वीएस कोड एडिटर के अंदर डुप्लीकेट हो जाती है, आप ही देख लेना। यहाँ देखो ये कह रहा है 4, मतलब 4 क्यों अप हुआ, क्योंकि एक 4 टैग भी होता है HTML के अंदर H4। फिर हमारे पास आता है 5, फिर हमारे पास आता है लास्ट 6। आपको एक बार मैं साथ में ही सभी यार एक बार ही लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ मैं कह देता हूँ हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, सेव किया मैंने।
अगर मैं चलो अपने क्या कहते हैं लोकल उस पे, तो आप देख सकते हो हेडिंग वन सबसे बड़ी है, उससे छोटी हेडिंग टू है, एच टू टैग है, मतलब एच वन टैग सबसे बड़ा है, एच टू टैग सबसे छोटा है, एच थ्री टैग एच टू से छोटा है, एच फोर टैग एच थ्री से छोटा है, एच फाइव टैग एच फोर से छोटा है, और सबसे छोटा एच सिक्स है। गलती से मैंने कह दिया था कि एच टू छोटा है, मतलब एच टू सिर्फ एच वन से छोटा है, ठीक है। आपने ये सीक्वेंस भी देख लिया। और यार अब हम बात कर लेते हैं कब आपने एच वन टैग यूज करना है, कब आपने एच टू टैग यूज करना है, कब आपने एच फोर टैग यूज करना है, या कब आपने एच सिक्स टैग यूज करना है या फाइव। मैं आपको बताता हूँ, देखो एच वन टैग आपकी पूरी वेबसाइट पे एक होना चाहिए, ये आपके एसईओ फ्रेंडली बनाएगा आपके वेब पेज को। आपके एच वन टैग एक होना चाहिए क्योंकि मेन हेडिंग एक ही होती है, ठीक है। और एच वन के बाद अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो वो एच वन की सब हेडिंग हो जाती है, जो आप दोगे एच टू टैग, तब आपने यूज करना है एच टू टैग अगर आपने एच वन के बाद कोई हेडिंग देनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अपना कुछ क्या कहते हैं फॉन्ट साइज बड़ा रखना है अपने एच टी एम एल के अंदर, मतलब एक किसी पैराग्राफ का या किसी चीज का भी किसी स्टेटमेंट का, तो आप एच वन टैग वहाँ हर जगह यूज कर रहे हो, या मैं कहूँगा ऐसा मत करो यार, क्योंकि वो सी एस एस की मदद से हो जाता है और ऐसे आपकी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट भी नहीं बनती, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, अगर एच वन टैग है एच वन पूरे पेज में एक होगा, ठीक है। एच टू काफी हो सकते हैं क्योंकि एच वन टैग के अंदर आप एच वन टैग के बाद आपको काफी सारी हेडिंग्स चाहिए होगी, तो एच टू टैग काफी सारे हो सकते हैं, एच थ्री टैग काफी सारे हो सकते हैं, एच फोर टैग काफी सारे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो एच थ्री टैग है वो एच टू के अंदर आने चाहिए, एच फोर टैग है वो एच फोर टैग है जो वो एच थ्री के नीचे आने चाहिए। आप समझ गए होंगे यार मेरे हिसाब से, नहीं तो यार जस्ट जैसे हम वेबसाइट बनाएंगे तो मैं आपको जैसे जैसे हम आगे वेबसाइट बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इतना समझ जाओ कि एच वन टैग एक ही होगा, एच टू टैग एच वन के बाद यूज करते हैं। इससे आपके क्या होगा फायदा कि आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होगी। अब हमने ये तो देख लिया कि ये हेडिंग टैग ऐसे होते हैं, पर अगर अगर मेरे पास काफी बड़ा टेक्स्ट है, जैसे अगर आप लिखो यहाँ वीएस कोड एडिटर के अंदर लोरम 55, तो ये आपको एक डमी टेक्स्ट दे देगा। और या मैं व्यू वर्ड टोकन रैप कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपको सभी का सभी टैक्स ऐसे दिखेगा। तो यार अगर मैं चाहूँ, जैसे मुझे इतना बड़ा टैग, मतलब इतना बड़ा टैक्स लिखना है अपनी वेबसाइट के अंदर, अब मैं इसे ऐसे लिख दूंगा या फिर मैं इसे कोई किसी हेडिंग में लिख दूंगा, किसी हेडिंग टैग में, नहीं भाई, तब हम मतलब मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा आप देखना। पर हमें ऐसे तो नहीं चाहिए ना, हमें ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है और ये हमें पता भी ये पैराग्राफ है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो तब हम यूज करते हैं पी टैग। क्या यूज करते हैं? पी टैग। तो इसे मैंने पैराग्राफ टैग में स्टार्ट कर दिया, हम लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग स्टार्ट्स हियर। तो ये देखो अगर पी टैग में इसे डालू तो यार ये देखो ये पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, ये पी टैग के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हो ये पी टैग के अंदर, ये आप देख सकते हो ये जो पी टैग के अंदर ये सभी का सभी ये पैराग्राफ आ रहा है। मतलब आपने हेडिंग तब एच वन टैग या एच वाले टैग तब यूज करनी है हेडिंग टैग, जब आपने हेडिंग देनी है कोई बड़ा पैराग्राफ दे रहा है तो आप पी टैग यूज करते हो। अब यार जैसे हमने हेडिंग में देखा था कि आफ्टर स्पेस, जैसे यहाँ मैंने बहुत सारी स्पेस दी थी सेव किया था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, हेडिंग के अंदर पड़ता है। हम देख लेते हैं, अगर मुझे ऐसे चेक करना है तो मैं यहाँ कुछ भी जैसे यहाँ स्पेस दे देता हूँ लास्ट वाले को, ठीक है, और मैंने एस दे दिया। अगर मैं सेव करूँ अपनी वेबसाइट पे आऊँ, कोई यार एक तो भाई रिफ्रेश भी कर लूँ आपको दिखाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया हुआ है HTML के अंदर HTML के पास जो भी स्पेस होती है, एक्स्ट्रा स्पेस होती है, वो उसे रिमूव कर देता है। ये हम कैसे करेंगे? CSS की मदद से करेंगे। क्यों करेंगे? मतलब कैसे क्यों? तो ये भाई हमने स्पेस देनी है तभी करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको आके सिखा दूंगा CSS के अंदर कैसे करेंगे। चलो हमने हेडिंग टैग देख लिया, पैराग्राफ टैग देख लिया, समझ भी लिया ये क्यों यूज होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। अगर अब आप चाहते हो कि जो ये आपका लोडम है, जो आपका ये लोडम है ये थोड़ा बोल्ड हो, तब आप क्या करोगे? आपके पास एक टैग है बी, क्या है? बी, मैं आपको दिखाता हूँ बी टैग, ठीक है। अगर ये लोडम को मैं बी टैग के अंदर कर दूं तो यार देखो लोडम हमारा थोड़ा बोल्ड हो गया। पर यार मैं आपको कहूंगा अब HTML में स्ट्रॉन्ग टैग आ गया है। स्ट्रॉन्ग टैग क्यों आ गया है? क्योंकि यार HTML 5 में अब स्ट्रॉन्ग टैग है। अगर आप बी भी यूज करना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तक वो चल ही रहा है। पर यार जैसे जैसे मतलब आप ये डेवलपर हो, आपको भी अपने हर दिन अपने आप को डेवलप करना है, तो हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा? सेम काम करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर बोल्ड करना है तो आपने आगे से स्ट्रॉन्ग टैग ही यूज करना है। बी टैग इसलिए बताया था कि यार पता होना चाहिए आपको ऐसे वेब।
ठीक है, हमने देख लिया अगर हमें बोल्ड करना है तो हम स्ट्रॉन्ग टेक यूज करेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे भाई? अगर मैं चाहता हूँ जो ये इप्सम है ये इटैलिक हो जाए तो हम यूज करेंगे एम टेक। क्या यूज करेंगे एम टेक? मुझे ऐसे लिख लेता हूँ एम, एक बार आपको भी लिख देता हूँ एम, और इप्सम के बाद उससे मैं बंद करूंगा, क्लोज टैग करूंगा। क्यों? क्योंकि इप्सम को मुझे इटैलिक्स चाहिए, और मुझे अगर मैंने कोई टैग खोला है तो उसे मुझे बंद भी करना होगा अगर वो क्लोजिंग टैग है। तो आप देखोगे इप्सम जो है, ऐसे करता हूँ मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, लोरा में देखो बोल्ड हो गया, इप्सम जो है वो हमारा इटैलिक हो गया। काफी अच्छी बात है यार, हमें इटैलिक करना आ गया और स्ट्रॉन्ग करना भी आ गया। पर क्या यार, अगर आप ये फ्लोरम को स्ट्रॉन्ग भी करना चाहो और इटैलिक भी करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो? जैसे स्ट्रॉन्ग को एम टैग के अंदर बंद कर लो। किसके अंदर बंद कर लो? एम टैग के अंदर। हाँ भाई, आप एक टैग के अंदर काफी टैग रख सकते हो, ये है। आप एच टी एम एल के अंदर एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी रख सकते हो। देख सकते हो यार, बॉडी भी एक टैग है और बॉडी के अंदर भी काफी सारे टैग है, आप ऐसे कर सकते हो। अगर मैं चलूँ तो यार देखो, जो हमारा लोडम है वो तो पहली बात बोल्ड है और उसके बाद इटैलिक भी है, मतलब यार इटैलिक भी है यार। देखो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, तो आप देख सकते हो इटैलिक भी है। अगर मैं चाहूँ इप्सन मेरा स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एम बार है या एम अंदर है। अगर मैं एम को अंदर भी कर दूँ, स्ट्रॉन्ग के अंदर कर दूँ, भाई साहब एम को अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर कर दूँ तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, वैसे ही बड़ी बात, बहुत मतलब बड़ी बात नहीं, बढ़िया बात हमने देख लिया यार कैसे करते हैं। और इसे मैं रीसेट कर लेता हूँ मंडे। यार हमने देख लिया कि टैक्स के अंदर टैक्स भी हम लिख सकते हैं, एम टैग भी देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग भी मतलब होता है। अब मैं आपको एक और टैग बताता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्पेस के अंदर चाहिए, मतलब इनके अंदर मुझे स्पेस भी चाहिए। क्या चाहिए? इसके अंदर स्पेस भी चाहिए। पहले तो मैंने कहा था सी एस एस की मदद से आप कर सकते हो, पर आपके पास एक टैग है जिसकी मदद से आप ऐसे स्पेस भी लेके आ सकते हो। वो कौन सा टैग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक फ्री टैग, फ्री नाम का टैग है। अगर आप इसके अंदर मैं सिंपली लिखूं लोरम, और या लोरम के बाद लिख दूं आफ्टर स्पेस, ठीक है, और आप अपनी वेबसाइट पे आऊं तो यार देखो प्री टैग में जो भी हम दे रहे थे उसका फॉन्ट चेंज हो गया। प्री हमें पता लग रहा है ये प्री टैग है और इसका फॉन्ट चेंज हो गया। इसका फॉन्ट, या मैं आपको बता दूं, प्री टैग हम ज्यादा तब यूज करते हैं अगर आप किसी कोडिंग वेबसाइट पे जाओ। अगर मैं जाऊँ गीक्स फॉर गीक्स पे तो आप देखोगे ये ज्यादातर जो कोड है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, उनका फॉन्ट ऐसा ही होता है जैसे यहाँ है ना इस वेबसाइट पे, वैसे ही होता है। अगर मैं लिख के चलूँ कुछ भी, भाई साहब कुछ भी मैं दिखा दूँ, पाइथन पे चलते हैं, कुछ तो कोड इन्होंने लिखा होगा। पाइथन पाइथन डाटा टाइप्स पाइथन स्ट्रिंग्स, मैं आपको बस कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखोगे कि यार कहाँ गया, ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना, इन्होंने शायद फॉन्ट थोड़ा चेंज किया हुआ है, पर अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे बटन पे क्लिक कर लूँ ना तो आप देखोगे कि ये भी जो टेक्स्ट है ना, ये जो भी टेक्स्ट है ये प्री टैग के अंदर होगा। ये देखो आप देख रहे हो ना, मतलब ज्यादा अगर हम यार कोड जो होते हैं हमारे, ये देखो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी प्री टैग के अंदर है। जैसे ज्यादातर हम यार कुछ कोड बताना चाहते हैं, कुछ कोड अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसमें हमें स्पेस भी चाहिए और हमें सीएसएस की मदद से उसे नहीं चेंज करना चाहते, तो हम ये प्री टैग भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छे से समझ आ गया। और यार मैंने ज्यादातर देखा कि लोग हम तब भी यूज करते होते हैं, ये लोग भी तब यूज करते होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट है जैसे गीक्सॉर्ट की, जब उन्होंने कुछ कोड लिखना हो, क्योंकि कोड में यार हम जैसा कोड लिख के देना चाहते हैं यूजर को कि जैसे हम लिख के दे रहे हैं यूजर को भी वैसे मिले, तब हम भी प्री टैग यूज कर लेते हैं। और यार इसका थोड़ा वो भी है, पर अगर आप कोड देना चाहते हो किसी भी यूजर को, कुछ कोड देना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक कोड है हमारे पास। क्या है? कोड नाम का मतलब एक टैग है। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हैलो वर्ल्ड, ये पाइथन के हैलो वर्ल्ड है। यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी कुछ भी। अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ मुझे इसका कैसे आ रहा है, जैसे एक कोड के लिए यार देखो, मतलब कोडिंग के लिए सही है। और यहाँ मुझे स्पेस क्यों नहीं मिली? अगर यहाँ मैं अगर स्पेस दूँ तो हम देखते हैं कोई फर्क पड़ता है। तो यार कोड वाले टैग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब हम क्या यूज कर सकते हैं प्री टैग, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने वैसे ही देना है अपने यूजर को कोड, तो हम क्या कर सकते हैं कोड के अंदर प्री टैग यूज कर सकते हैं। प्री टैग, ये देखो, अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊं, देखो काफी अच्छा यार। मुझे तो मतलब यार, अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे कभी आपको कोड देना ना,
तो यार मुझे ये कोड वाला जो फोन है ना काफी अच्छा लगता है, ये प्री वाला भी मैं तो भाई साहब इसमें ही दूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमने काफी सारे टैग्स देखे हैं, हेडिंग टैग लिख लिया, आइटैलिक मतलब आइटैलिक देख लिया, एम देख लिया, बोल्डेड मतलब बोल्ड भी देखा था, स्ट्रॉन्ग देख लिया, प्री टैग देख लिया, और क्या देख लिया, कोड टैग भी देख लिया। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।